उद्योग नगरी फरीदाबाद में 45 डिग्री तापमान पर एक किसान सेब की फसल तैयार कर रहा है। किसान का मानना है कि दूसरे फसलों के मुकाबले उसको सेब की खेती से आमदनी ज्यादा होगी, लेकिन कृषि एक्सपर्ट का मानना है कि ठंडे इलाके में होने वाले सेब और यहाँ पर होने वाले सेब में काफी फर्क होगा। फरीदाबाद को अब केवल उद्योगों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब फरीदाबाद को सेब की खेती के लिए भी जाना जा रहा है। दरअसल फरीदाबाद के गाँव शाहपुरा में एक किसान वर्ष 2019 से सेब की खेती कर रहा है और अब सेब के पेड़ पर फल लग चुके हैं। जुलाई महीने में इन पेड़ से निकलकर सेब मार्केट में पहुंच जाएगा। शाहपुरा के रहने वाले किसान नरेश के द्वारा सेब की खेती फरीदाबाद में करने का किस्सा कुछ ऐसा है कि वर्ष 2019 में ज्यादा बारिश होने के कारण उनकी धान की फसल खराब हो गई, जिसके बाद उनके पिताजी ने उनको कोई दूसरी खेती करने की सलाह दी। नरेश ने यूट्यूब पर हरी सिंह नामक किसान वीडियो देखी और उनसे मिलने के लिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले गए। हरी सिंह से उन्होंने 170 के करीब सेब के छोटे पौधे खरीदे और एक पौधे की कीमत 7 रुपए चुकाए। नरेश ने इस समय सेब के 3 किस्म के पौधे लगाए हुए हैं, जिनमें सेब के अन्ना, गोल्डन और हरमन 99 किस्म शामिल हैं। करीब 1 एकड़ में उन्होंने सेब की खेती की है। नरेश को उम्मीद है कि जुलाई में जब सेब की फसल मंडी पहुंचेगी, तो उनको पहली ही फसल में अच्छा मुनाफा होगा। हरियाणा के करनाल में ही केवल सेब की खेती हो रही है। फरीदाबाद में वह पहली बार और प्रथम किसान है जो सेब की खेती कर रही है। साल भर का करीब 1 लाख रुपए का खर्चा सेब की फसल पर हो रहा है। उनको उम्मीद है कि जब पहली फसल जुलाई में मार्केट पहुंचेगी, तो एक ही फसल पर उन्हें 1.5 लाख के करीब मुनाफा होगा। हम धान और गेहूं की मोटी फसल करते थे जी पहले जी, तो बिजली की उससे फसल हमारी खराब होगी, धान की बढ़िया नहीं बन पाएगी। तो पिताजी गुस्से हो गए, वो कहने लगे भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, तो या में नुकसान ज्यादा जा रहा है, तो कुछ अलग हटके करके देखा। दुनिया बागवानी या कुछ ऐसे कर जिससे नाम हो गए। अब बागवानी में जैसे अमरूद या बेरिया के बाग होते हैं, तो वे नाम से चलते हैं भाई, उसके उसकी है बेरिया और अमरूद उसके बाग का है। तो कहने लगे ऐसे कर, तो मैं मेरे ये ठेकेदार हम यहाँ ट्यूबवेल पे लूट रहे थे, तो हमने यूट्यूब पे देख रहे थे यहीं, जब उसमें हरिमन शर्मा का सेब का वो आ गया जी, मैं इसे कहने लगा सर ठेकेदार सेब लगाया ना, वहाँ यहाँ हो जाएंगे, मैंने कि यहाँ में लिख रही है 48 डिग्री टेम्परेचर तक हो जाएगा फल। तो हमने उनसे बात करी फिर हरिमन शर्मा जी से, उन्होंने कहा 48 डिग्री तक टेम्परेचर में फल हो जाता है हमारे ये। फिर हमने बाद में देखा तो राणा जी का भी आया, और राणा जी के वहाँ पे हम देख आए जा करके, वहाँ पे पुराने पेड़ थे जो उन्होंने के 20-25 पेड़ थे, उन्होंने अब तो अमरूद का बाग काट के बढ़ा दिया सेब का लगाए उन्होंने 1-2 एकड़ में और सेब वे भी वहीं से लाए थे। तो राणा जी ने जब 250 रुपये का पौधा बताया था, और मैं बादाम के पेड़ वहीं से लेकर आया था राणा जी के पास, बादाम के पेड़ 120 रुपये का बादाम का पेड़ दिया था जब, तो फिर हम हरिमन शर्मा जी से बात करके वहीं से पौधे लाए थे। वहीं से मैंने कि वहीं पे जानकारी जिसने रिसर्च की है उसी से जानकारी ली जाए ना पूरी, तो उन्हीं से जानकारी ली थी उन्होंने, वहीं से पौधे लेकर आए। फिर 3 नस्ल है इसमें, एक अन्ना वेराइटी, एक गोल्डन, और ज्यादा पेड़ हरिमन 99 के हैं। 1 एकड़ में है, 3 साल हो गए, 3 साल में मेरा पहला फल है जी, तो बढ़िया फल आ रहा है। उम्मीद पेड़ पैसे अब तो देखो जी, हमें वे भी खा गए रोज जी। मैं खटका मशीन भी लाया हूँ, वहाँ लगाएंगे अब। पहले तो जब जिस तरह से फल लगा हुआ था, जब पहले और भी आए थे जो देख गए थे, तो जब तो 50 किलो 40 किलो के करीब था, अब तो 20 किलो के करीब करीब रह गया है।